हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। अपना चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो उसकी जो है मैंने 3.3 तक वीडियो बना दी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3.4 की, और उसमें होने वाले जो कंसेप्ट है, यूज होने वाले है, वो मैं यहाँ आपको बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने से पहले मैं कुछ एक बातें हैं जो आपको यहां बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से पहले देखो, अगर मैं एक सिंपल इक्वेशन लिखूं वन वेरिएबल के अंदर, एक्स वेरिएबल के अगर मैं सिंपल इक्वेशन लिखूं, जैसे मैं लिख देता हूं एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मेरे पास क्या एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसके अंदर वेरिएबल क्या लिया मैंने, एक्स वेरिएबल लिया। ठीक, अब इस इक्वेशन में और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या फर्क होता है? देखो, यहां वेरिएबल मैंने क्या लिया, एक्स वेरिएबल लिया। अब इस एक्स वेरिएबल की जगह अगर मैं कोई क्या वेरिएबल हूं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेरिएबल हूं, देखो जैसे मैं ले लेता हूं साइन एक्स प्लस में फाइव इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या किया, यहां तो वेरिएबल क्या था एक्स, और यहां वेरिएबल क्या है साइन एक्स। तो ये तो होगी मेरे पास अलजेब्रिक इक्वेशन, और वो इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज ए वेरिएबल हो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये जो है यहां, ये जो इक्वेशन बनेगी वो क्या आएगी मेरे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगी। अगर मैं और एग्जांपल लूं, जैसे मैं ले लेता हूं टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में फाइव टेंजेंट एक्स प्लस में सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने एक इक्वेशन लिखी है उसके अंदर टेंजेंट एक्स को मैंने एज ए वेरिएबल लिया है। मतलब अगर मैं यहां लेट करूं y इज इक्वल टू में टेंजेंट एक्स, तो मेरे पास ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस में फाइव वाई प्लस में सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये तो क्या होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई किसके अंदर, y वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अगर मैं y को देखूं तो y क्या है टेंजेंट x, तो इस इक्वेशन को क्या बोलूंगा मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है मेरे पास, टेंजेंट x है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल क्या हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो उस इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं इसके सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कब बोलते हैं, अगर उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, सॉरी उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर जो x की वैल्यू आए वो अगर किस इंटरवल के अंदर आए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन क्या है टू पाई आए, अगर इन दोनों के बीच में अगर x की वैल्यू आ रही है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को मैं बोलूंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलूंगा। अगर एग्जांपल के लिए अगर मैं लूं, जैसे मैं ले लेता हूं साइन एक्स इज इक्वल टू में वन बाय टू। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या लिया वन बाय टू। ठीक है, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर वो कहता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल के अंदर, मतलब x की सारी वैल्यू निकालनी है 0 और 360 के बीच में, जहां साइन की वैल्यू क्या हो पाई बाय टू हो, सॉरी 1/2 हो। तो देखो साइन x इज इक्वल टू क्या दिया हमने को, पॉजिटिव दिया हुआ है, ये पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अगर मैं इसका क्वाड्रेंट बनाऊं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है जीरो, ये हो गया मेरे पास पाई बाय टू, और ये क्या हो गया पाई, और ये थ्री पाई बाय टू, और ये टू पाई। साइन एक्स क्या है पॉजिटिव, तो ये देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक मतलब सारे के सारे पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट की मैं बात ही नहीं करूंगा। उसके बाद में सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब साइन की जो वैल्यू है वो एक सेकंड में और एक फर्स्ट में, दो में ही लाई करती है। ठीक है, तो वन बाय टू, तो ये देखेंगे कि वन बाय टू कब होगी, तो एक तो फर्स्ट में होगी और एक सेकंड में होगी। फर्स्ट में तो सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए सिंपल पता चल जाएगा
बात है सेकंड की, सेकंड में भी साइन क्या रहता है पॉजिटिव, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स इज इक्वल टू में साइन, देखो वन बाय टू साइन की वैल्यू वन बाय टू कब होती है, साइन थर्टी पे क्या होता है वन बाय टू होता है, तो ये क्या आएगा पाई बाय सिक्स, ठीक है। एक वैल्यू इसकी ये भी तो हो सकती है क्या, साइन एक्स इज इक्वल टू में साइन, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा साइन पाई माइनस में पाई बाय सिक्स, करके देख लो, एक एक तो वैल्यू ये आई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन की वैल्यू ये आई, इसको मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखा है, एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी तो ये वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी, क्यों पाई बाय टू प्लस में पाई बाय सिक्स लिख नहीं सकता क्योंकि पाई बाय टू पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा इसको पाई माइनस में, पाई माइनस जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे और सेकंड में साइन क्या रहता है पॉजिटिव, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो मैं इसको पाई माइनस में पाई बाय सिक्स भी लिख सकता हूं। अगर यहां से मैं कंपेयर करूंगा तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आएगी पाई बाय सिक्स, और यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो एक्स की वैल्यू आई मेरे पास पाई माइनस में पाई बाय सिक्स, दिस इंप्लाइज फाइव पाई बाय सिक्स, तो ये एक्स की मेरे पास दो वैल्यू आ गई। देख लो ये दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो किस इंटरवल में लाई करती है, इस इंटरवल में लाई करती है, तो ये जो मेरे पास सॉल्यूशन आया, ये जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आई, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के ये दो मेरे पास क्या आ गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की, जनरल सॉल्यूशन में आपको मैं यहां पांच जो है बेसिक बातें बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, अगर वो आपको याद होंगी तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे अगर आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट, अगर आपके पास इक्वेशन है क्या साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, और मेरे को क्या निकालना है जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू एन पाई, और जो n है वो किसको बिलोंग करेगा इंटीजर को बिलोंग करेगा, तो ये इस इक्वेशन का क्या है जनरल सॉल्यूशन, ये आपको याद रखना है साइन x इज इक्वल टू जीरो होगा तो उस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा x इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन अगर आपका है कोस x इज इक्वल टू जीरो, तो उस केस में जो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा x इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू में पाई बाय टू, और n किसको बिलोंग करेगा इंटीजर को बिलोंग करेगा, n की वैल्यू मैं यहां पुट करता जाऊंगा मेरे पास सॉल्यूशन आता जाएगा। जनरल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है बहुत सारे सॉल्यूशन, मतलब वो सारे के सारे सॉल्यूशन चाहे वो टू पाई से बड़े हो पॉजिटिव नेगेटिव कहीं मर्जी हो x की वो सारे की सारी वैल्यू जिसपे साइन x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहां cos x ये मेरे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तीसरा क्या अगर आपके पास फंक्शन इक्वेशन है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई टाइप की, इक्वेशन क्या है मेरे पास साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो मेरे पास क्या होगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस में माइनस वन की पावर एन इंटू में वाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। अगर आपकी इक्वेशन है किस टाइप की साइन एक्स इज इक्वल टू में साइन वाई और आपको क्या निकालना है जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो आप यहां वैल्यू पुट कर देंगे एक्स जो होगा वो किसके इक्वल आएगा एन पाई प्लस में माइनस वन की पावर एन इंटू में वाई, आप ये देख रहे हैं कि वाई कितना है वाई अगर पाई बाय थ्री है तो यहाँ पाई बाय थ्री आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई अगर पाई बाय सिक्स है तो यहाँ पाई बाय सिक्स आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन में एक्स की ही वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास है कोस एक्स इज इक्वल टू में कोस वाई तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन क्या होगा x इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस y, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, यही होगा x इज इक्वल टू में क्या होगा टू एन पाई प्लस माइनस में y। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है क्या टेंजेंट x इज इक्वल टू में अगर है आपका टेंजेंट y, दिस इज इंप्लाइज अगर आपका है टेंजेंट x इज इक्वल टू में टेंजेंट y, तो x इज इक्वल टू में आपका जो जनरल सॉल्यूशन रहने वाला है वो होगा n पाई प्लस में y, और यहां भी n किसको बिलोंग करेगा z को, n जो है वो किसको बिलोंग करेगा z, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर। तो ये पांच सॉल्यूशन है जो आपको याद रखनी है, जनरल सॉल्यूशन है जिसमें से ये
ये और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। अगर आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं तो ये तीन जो रिजल्ट आपको याद होने चाहिए कि साइन एक्स इज इक्वल टू में साइन वाई होगा तो उस केस में जनरल सॉल्यूशन ये होगा, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई होगा तो उस केस में जनरल सॉल्यूशन ये होगा, और टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू में टेंजेंट वाई होगा तो उस केस में जनरल सॉल्यूशन ये होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, तो जो एक्सरसाइज है उसकी वीडियो जो है आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको, जो मैंने अपलोड कर दूंगा यहाँ। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना ना भूले, ताकि आपके कमेंट से ही मेरे को पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे पसंद आ रही है या नहीं आ रही। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे को कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।